बड़ी जल्दी भागने की पड़ी है। शेरे नहीं थे। हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूँ राहुल वर्मा, जैसे कि गाइस आप मुझे जानते हैं। तो गाइस देखो, आपने मेरी सारी वीडियो देखी, मैं लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, बट मेरे ही घर में अभी इतनी हेल्प की जरूरत पड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसने मुझे बताया नहीं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मेरे से बोलता भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इस गर्लफ्रेंड के पीछे काफ़ी पैसे उड़ा दिए। अब इसने मुझे बताया भाई मुझे बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। तो रजत, जो सारी दिक्कत परेशानी थी मुझे बताई अभी, वो एक बार कैमरे बता क्या दिक्कत परेशानी थी चल रही गर्लफ्रेंड को लेकर। एक साल से रिलेशनशिप चल रहा है, सडनली ये 6 मंथ से ना मुझे दिक्कत आनी शुरू हो गई है। अच्छा, क्या दिक्कत? हाँ, आ रही है बता। अरे मतलब सडनली बीच में मुझे फोन वगैरह करती रहती थी, मुझे बोलती थी रजत मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे और प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ जाना है, फलाना ढिमकाना, मेरे से क्या क्या ना ना करते हुए 1,75,000 रुपीज़ मेरे से ले चुकी है अब तक। तो इसलिए पैसे मांग रहा था मेरे से, भाई पैसे दे दो इस चीज़ के लिए है, इसलिए भाई मुझे कॉलेज का ये काम है, मुझे वो काम है, झूठ बोल के। चल कोई, तो मेरा फोन भी नहीं उठाती। तो ये दिक्कत तूने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? भाई डर गया था ना मैं थोड़ा। अब क्या चाहता है ये बता मुझे तू। भाई मैं चाहता हूँ कि वो सही है या नहीं है। वो सही नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। मुझे डाउट है उसके ऊपर, वो डाउट मुझे क्लियर चाहिए अपना पूरा। डाउट क्लियर चाहिए। हाँ, वो डाउट क्लियर चाहिए, इसलिए अच्छा। मैं आपके पास आया हूँ। बहुत मैंने बहुत डर से आपको बताया है सारी बातें, आपको पता है, फिर मैंने कहा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आप ही करोगे बस। अच्छा, तो गाइस इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसने मुझे बताया था। तो देखो, इसकी गर्लफ्रेंड से मैंने ही बात करी थी, उसको पता नहीं मैं उसका भाई हूँ, तो मैंने उसके साथ बुलाया है यहाँ पे मिलने के लिए। ठीक है, देखो क्या है, ये सही बोल रहा है। अब इसकी बात से तो ये मेरे से झूठ बोलने, अपने भाई से तो झूठ बोलेगा नहीं। तो देख, 1,75,000 तूने डुबा दिए पैसे, अब उसके उससे तुझे पीछा छुड़वाना है। उसको मैंने यहाँ पर बुलाया है अभी, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आने वाली है, मैं बातचीत करके पता लग जाए वो कैसी है कैसी नहीं है। अरे गोल्ड डिगर लड़कियों से दूर रहना चाहिए, तुझे पहले पता होना चाहिए, मेरे से पूछ तो लेता लड़कियों के बारे में थोड़ा सा। भाई मैं अब तू बस कोई दिखी उसके पीछे चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बताया भी नहीं, घर में भी किसी को नहीं बताया, पापा को भी नहीं बताया। सॉरी भैया। चल ठीक है, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया। तो गाइस देखो, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाली है, उसे मैंने बुलाया हुआ है, वेट कर लेते हैं कब तक आएगी, फ़ोन भी कर लेता हूँ उसे, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। इसने मुझे 1 हफ्ते पहले सारी दिक्कत परेशानी बताई, अब देखो अपने घर की दिक्कत परेशानी तो ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे, वो तो मेन है मेरा। तो मैंने उससे सब कुछ किया, मैंने बात करी, यार मेरी मैं सिंगल हूँ, मैं बिजनेस मैन हूँ, सब कुछ मैंने बताया से, तो मेरे से मिलने आओ, वो आज मिलने के लिए बोला है। अब देखो रियल क्या है क्या नहीं है, मीन से तो मेरे हिसाब से लड़के फंसाने का ही काम है उसका। फ़ोन कर लेते एक बार उसे, कहाँ पर है वो। निधि नाम है ना। हेलो, हाँ निधि, हेलो निधि, हेलो राहुल बोल रहा हूँ, कब तक आओगे, मैंने मिलने के लिए बोला था ना आपको, तो आ जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं आपका पार्क में। चलो ठीक है, आप पहुँचो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है ठीक। तो गाइस देखो आ रही है, अब देखो भाई की तो हेल्प करनी बनती है पूरी, अब बस आगे से हरकत मत करी, देखते क्या है क्या नहीं है। तो गाइस देखो निधि जी आ चुकी हैं, बहुत शरीफ। यार 1 घंटा वेट करवा दिया आपने तो मुझे, हैं। हाय, हेलो, कैसे हो, बैठो 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 बैठो, कैसे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ आप कैसे हो। हम तो सर लड़के तो सही रहते हैं, हम भी सही रहते हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे मेरे में आप, हैं। क्या करूं, अब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्यों, आप अच्छे लगे, बातें अच्छी लगी तो फिर अच्छा, बातें अच्छी लगी ठीक है। मैं अभी देखो सिंगल हूँ यार, नेचर वाइज अच्छे लगे तो मुझे, बिल्कुल मुझे भी कोई भी लड़की ऐसी पसंद नहीं आती। मैं भी तुम्हारी प्रोफाइल वगैरह देखी, बातचीत करी, बातचीत में अच्छे लगे, मैं चलो मिलकर बात करते, मिलकर ज़्यादा बात हो जाती है, फ़ोन पे उतनी होती नहीं। वैसे आप सिंगल हो, कोई है लाइफ में? नहीं मैं सिंगल हूँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। इन सब चीज़ें दूर रहते हो, अच्छा तो अब जब दूर हो मेरे पास कैसे ध्यान देना मुझे बस। तो आप मेरे से मिलने कैसे आ गए फिर? ऐसे एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ देखो मैं तो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बुलाया था मैंने, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए एक लाइफ में, कि देखो मैं अभी दूर रहता हूँ, मैं काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मेरी फैमिली का ख्याल रखे, मेरी फैमिली में है भी नहीं, वैसे नहीं रख लेंगे ख्याल भी। अच्छा गर्लफ्रेंड भी बन जाएंगे, टाइम दो अभी। अच्छा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे देखो पूरा टाइम चाहिए आपसे, प्रॉपर टाइम चाहिए आपसे मुझे।
टाइम तो सॉरी मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम होता है। ऐसा क्या काम होगा आपको टाइम नहीं दे पाओगे मुझे आप? मैं अपने सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी फ्रेंड्स फैमिली को देती हूँ। अच्छा, गर्लफ्रेंड वालों को टाइम तो चाहिए मुझे आपसे। अरे टाइम तो मिल ही जाएगा, दे देंगे टाइम। अच्छा, टाइम बहुत है लेकिन प्रायोरिटी मेरे लिए जो है वो फ्रेंड्स है पहले। ठीक है। अच्छा, फ्रेंड्स है अभी तो, पूरा फैमिली है पहले? फैमिली फ्रेंड्स दोनों। अच्छा, फ्रेंड्स है या बॉयफ्रेंड है? हाँ जी, मैं फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है। फ्रेंड्स ओनली फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। अच्छा यार, देखो आज की दिल्ली की लड़कियां, मैं जानता हूँ कोई भी सिंगल नहीं रहती आज की डेट में, मुझे पता है। ऐसा नहीं है, मैं सिंगल हूँ, इन सब चीजों से मैं दूर ही रहती हूँ। बातचीत से तो नहीं लग रहा आप सिंगल हो? बातचीत से तो नहीं लग रहा आप सिंगल हो? बातचीत सही तो है, बातचीत मुझे लग नहीं रहा सिंगल हो आप। सिंगल ही हूँ मैं यार। अच्छा, कैसे बताऊँ, कैसे मैंने आपकी बिलीव कैसे दिलाऊँ, मैं ये बताओ। अब बिलीव के लिए कोई दिक्कत, मिलने आगे बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए और क्या चाहिए। तो यार देखो, मुझे चाहिए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मुझे आज से बनना है। ये नहीं आप टाइम लोगे मुझे गर्लफ्रेंड बाद में बनूंगी, ये नहीं, मुझे आज से गर्लफ्रेंड बनना है। घूमने फिरने चलेंगे फिर कहीं पे? हाँ जी, अकेले टाइम जरूर, अकेलापन, तुम जहाँ पे मैं और कोई ना हो वहाँ पे। ठीक है, फोन कब लिया तुमने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ जी। दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फोन नहीं है क्या आपके पास? नहीं है मेरे पास फोन। अच्छा, तो वैसे कौन सा फोन? आईफोन नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, आईफोन पसंद है आपको? कोई नहीं, आईफोन दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो घर चलते हैं, वहाँ बातचीत करेंगे। आप पार्क में क्या बात होगी ना, एंजॉय करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्यों मैं नहीं आ सकता? कौन है ये? फ्रेंड है। अच्छा, दिख तो कुछ और रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मैं नहीं आ सकता क्या घूमने? क्या घूमने, जानती कौन है? हाँ फ्रेंड है मेरा। भाई फ्रेंड हो? बात कर। फ्रेंड है भाई है मेरा। बैठ जा आराम से, बैठ बात करनी है, बैठ भाई, बैठ जा। कोई नहीं बात करो। भाई है मेरे। भाई कहाँ से आ गया, कौन सा हो गया तुम्हारा भाई? कभी पूछा तूने? पूछा नहीं तुमने। फोन दिला दो, 25,000 दे दो, 30,000 दे दो, 35,000 दे दो, इसके अलावा और कुछ आते हैं? और जब मैं कुछ बोल दूं तो मेरे बारे में तो कुछ पूछना नहीं, हमेशा अपने रोने गाने तूने। ये हो क्या रहा था, मैंने तेरे को फोन करा दिया, तुम मेरे से मेरे लिए टाइम नहीं तेरे पास, इसके लिए। सुन, ये थप्पड़ दिया पड़ गया ना, अभी सब सच्चाई निकलेगी। सच बोल, क्या है यहाँ पे? पूछ सच इससे, क्या है? एक हफ्ते से बात कर रही मेरे से। कौन से पैसे? जो तूने लिए मेरे से। कब दिए? 1.5-2 लाख रुपए ले रखे तूने मेरे से, कहाँ है? कब दिए? अब बताऊँ कब दिए? ये वही भाई है जिससे लेके तुझे पैसे दिए हैं। कॉलेज के लिए मांगता था और तुम्हें पैसे दे रहा है, मुझे बताया इसने? कोई नहीं भाई, मेरी मत मारी गई थी, मुझे नहीं पता था ऐसी निकलेगी। तो नीड्स होती है, सब पूरी करते हैं ना। ऐसी क्या नीड्स, बता ना मेरे को, क्या नीड्स है तेरी? नीड्स बता मेरे को खुल के। नीड्स ही ना तेरी। क्या नीड्स है? नीड्स है ना तेरी। इसको चीट क्यों कर रही है फिर? चीट कहाँ गया मैंने? चीटी कर रही है तू तो, बोली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सीन क्या तो चल रहा है तेरा? मिल गया नया तो लेके हो लो, चल लो कहीं पे भी, चलो कहाँ जा रहे थे? मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। कहाँ जा रहे थे? देख पहले तो ढंग से बात कर ले, मेरा भाई है वो। देख थप्पड़ में ना भी चूतिया तेरा निकलेगा यहाँ पे। मिल रहे थे तब तक तो सही था, पैसे मिलते ही चूतिया, कल को 2 लाख मिलेगा वो भी चूतिया, यही ठेका ले रखा, चूतिया बनाते रहते हो बस सबको, है बशर्ते ना 2 लाख और ले ले। पर क्या मिलता है सब करके? क्या मिलता है ये सब करके, किसी की जिंदगी बर्बाद करके? यार मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो क्या हुआ भी, ये चल क्या रहा है? अरे भाई मेरे को इसके साथ रखना ही नहीं है, कुछ सीधी बात है। पैसे जिधर पैसे को फंसे हैं भाई, मैं दे दूंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसके साथ कुछ रखना ही नहीं है। क्या चल रहा है सीन तेरा? तुमने क्यों बुलाया, कौन है, क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? असली रंग सामने लाने के लिए, तेरा असली रंग सामने लाने के लिए। तुमने इसको बोला था? हाँ, क्यों? मेरा भाई है, बोलूंगा नहीं। बड़े भाई से बात कर मेरे से ढंग से बात करने, तो कईयों को सुधारा, तुझे भी सुधार दूंगा 2 मिनट में। इज्जत से बात कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? तब तो तुम बड़ी बोल रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना, ये नहीं बनाना गर्लफ्रेंड, तेरी सच्चाई के लिए बैठा था यहाँ पे बस, शौक भी नहीं तुम जैसी लड़कियों का। देख इधर देख, वो चल रहा है कैमरा, देख वहाँ, देख सामने कैमरा लगा, क्या हो रहा है यार ये, क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा नहीं चल रहा, जो तेरी सच्चाई थी ना पूरी दुनिया देखेगी अब, जो तूने ड्रामे किए हैं। यार मुझे बात ही नहीं करनी यार। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, रुक मेरे पैसे दे के जा, मेरे पैसे दे के जा, चल वापस चल, पैसे दे मेरे, तू पहले पैसे दे। बड़ी जल्दी भागने की पड़ी है, तेरे नहीं थे, उसकी मेहनत की कमाई के पैसे थे जो मैंने तेरे ऊपर उड़ा दिए हैं। यार मेरा पीछा छोड़, मैं पैसे दे दूंगी तेरे। कब देगी? कब देगी? मुझे रहना ही है तेरे। कब देगी? बैठ, अभी तो चूतिया बना देंगे तेरा, ये बैठ जा इज्जत से, बैठ जा इज्जत से, भाग क्यों रही है तू? अब क्यों डर रही है? करते समझ नहीं रहा, पैसे लिए थे तब, बैठ जा, तू भी बैठ जा, बैठ के बात कर इससे, भागने तो देंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किया क्या, क्या मिला ये सब करके? क्या किया मेरे को, डेट दे, कब देगी पैसे? अच्छा ये चूतिया तुम क्या हो फिर? मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये उर्की परी है भाई, ये उर्की परी है, सत्य आती है उर्की परी है ये। यही होगा और क्या, यही होती है, तभी कहते हैं गोल्ड डिगर।
क्या मिला है सब करके? पैसे दो, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? 175,000 लिए तुमने, और मेरा फोन देख के बोल रही है आपका फोन बड़ा अच्छा, मुझे आईफोन चाहिए। वाह, ये तो मेरा भी काटने में लगी पड़ी थी। ये कल तक पूछा था, मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे चाहिए, तुमने बोला था देने के लिए। अरे ऐसी है। अच्छा, पहली मुलाकात पर फोन भी ले लोगे मेरे से? फैमिली वालों ने ये सिखाया कि किसी मिलो पहले फोन ले लो उससे, है ना? यही सीख मिली है फैमिली वालों से तुम्हें? शर्म आती कुछ? जब ये सारी वीडियो देखेगा पूरी फैमिली तुम्हारी, तब पता लगेगा मेरी बेटी कर क्या रही है। तुमने कैमरा बंद किया है? नहीं किया। नहीं है बंद कैमरा, कैमरा चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है तेरी। यार तेरे पैसे मैं दे दूंगी, मुझे माफ कर, मेरा पिछला। क्या सबूत तू पैसे देगी? क्या सबूत पैसे देगी? फोन दिखाओ अपना। किस लिए? तुम लॉयल हो ना मेरे साथ? फोन दिखाओ। हाँ, दिल से लॉयल हूँ मैं। हाँ तो फोन दिखाओ ना यार। किस लिए? कुछ नहीं, मैं बस चेक करूंगा, दिखाओ जस्ट 2 मिनट। इतना तो भरोसा करते हो ना, इतने पैसे दे दिए तो बोलो इसका पासवर्ड डालो, बताओ मुझे पासवर्ड क्या है, छुपा के नहीं बताओ क्या है। क्या देख लेना? हाँ हाँ देख रहा हूँ, चलो डालो। हाँ ठीक है, लो भाई। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जब पैसे दोगी ना तब मिलेगा फोन। तब फोन ले लीजिए। फोन मेरे को फोन चाहिए। अरे ओ मैडम, ये वीडियो ले जा, अभी घर पे ले जाऊंगा सीधे, वही बना लो, निकल यहां से। चलो अब पहले फुर्सत में निकलो, चलो तुम जैसे जाओ जाओ तो हम देख लेंगे, जाओ आप निकलो, ये रास्ता सीधे निकलो, सीधा निकलो। जब पैसे दोगे तब फोन ले जाना, ठीक है? ट्रस्ट करो, मैं पैसे नहीं 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 चाहिए तुम जैसे, वो ट्रस्ट नहीं है। निकलो, जाओ जल्दी निकल ले, इससे पहले कि मैं तोड़ ताड़ दूं इसको। प्यार खत्म सा। हां खत्म नहीं चाहिए ऐसा प्यार, घुमा मत खोपड़ी। चल जा, दस दूंगा, चल जा निकल अब। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, बैठ। तो गाइस ले लिया फोन लड़की, एक और गोल्ड डिगर। यार पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को आजकल, पैसों के पीछे इतना भागती है, पता नहीं बस काट ले किसी को बस ऐसा। इसने तो चूतिया था ही चूतिया बन गया था, अब दिमाग ठिकाने आया किसी लड़की पे। अब ध्यान से ट्रस्ट मत करियो, फोन ले लिया लड़की का, अब जब पैसे देगी तभी उसको फोन मिलेगा। तो गाइस आपकी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, मेरी इंस्टा आईडी नीचे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोशिश करूंगा पूरी हेल्प के लिए। तो ऐसी ही अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा। बाय।